पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत पाकिस्तान के की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, सातवां बेड़ा। देखेंगे सातवां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था सातवां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक सातवां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा है टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आप देखेंगे ये रूस का 40वां बेड़ा है, ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और अमेरिका, रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना सातवां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये दो लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। कि अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे और अमेरिका का सातवां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको ऐसे ही। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया समुंदर के ऊपर, ताकि सेटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके, और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाज़ों के ग्रुप को देख कर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के सातवां बेड़ा से कह रहा है कि रे उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, वो पहले पहुंच गया है रूस, अब मारेगा वहीं, तबाह हो जाओगे यहाँ पे। तो सातवां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे, 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज़्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आज अब देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी। और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था।